प्रदेशातील सिवनी जिल्ह्यात 2 दिवसाआधी वैनगंगा नदी काठाजवळ 50 गोमातांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. यांच्या विरोधात मध्य प्रदेशातील शिवनी या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा बंदीची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे गोंदियात सुद्धा या घटनेचे पडसाद पाहायला मिळाले. आज गोंदिया जिल्ह्यात मोठ्या संख्येनं लोकांनी एकत्र येऊन याचा विरोध दर्शवलाय. त्याचप्रमाणे गोंदिया शहरातील गांधी प्रतिमा येथून मूकमोर्चा काढत संपूर्ण शहरात भ्रमण करत त्याचे निषेध करत अशा कृत्य करणाऱ्या लोकांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असं निवेदन तहसीलदारांमार्फत राष्ट्रपती यांच्या नावे निवेदन देण्यात आले. जैसा आप जानते हैं कि 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के शिवनी जिले में 50 गौ माता के शव मिले. अलग अलग क्षेत्रों में वैनगंगा नदी के तट पर ये सब शव प्राप्त हुए और जब गोंदिया श्रीकृष्ण गौरक्षण सभा को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तब हमने इस बात को उठाना अपना दायित्व समझा और आज मूक मोर्चे के माध्यम से एक शांतिप्रिय मोर्चे के माध्यम से अपना विरोध दर्शाते हुए गोंदिया के जागरूक नागरिकों ने गोंदिया की सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर गौप्रेमी उपस्थित हुए हैं. सब शोक संतप्त हैं और भारत की राष्ट्रपति महोदया से हमने ज्ञापन के माध्यम से इस बात की मांग की है कि दोषियों को पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. एक संदेश पूरे भारत में प्रसारित हो पूरे विश्व में प्रसारित हो कि गौ माता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ भारत की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी. न्यूज रिपोर्टर चेतन समृत, आज 24 तास, गोंदिया. नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स. तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा.